आप देख सकते हैं साफ तौर पर क्या हुआ क्या हुआ। थोड़ी देर में आ रहा हूँ यार, गलती कर मारने लगे गल है। चुके मारो बंदे चुके लाए मुझे मेरे क्लाइंट से ना मिलने दिया गया है, ना मुझे बात करने दी है, ना इन्होंने बताया कि किन ग्राउंड्स पे इनको पकड़ के लाए हैं। इनको MLC के लिए बोला है, MLC भी नहीं करवाई इन्होंने। मुझे तो आने दो, जस्ट अ सेकंड यार, मुझे क्यों मैम आप मुझे आने देंगे? उनकी वाइफ को भी नहीं जाने दे रही है मैम, अकेले बिठा के रखा मैम हुआ है। एक मिनट भैया कैमरा में लेना इनको मैम, ये वाइफ है उनकी, ये वाइफ है। आप किस तरीके की आर्बिट्री पावर्स का यूज कर रहे हैं? ये वाइफ है उनकी, और मैं और मेरा हस्बैंड जस्ट बाहर आए तो हमारी कार के साथ एक कपल को ट्रैक कर रहे थे। तो होली है, होली में हो सकता है कि ड्रिंक्स चल रही हो कंट्री में, तो हम जनरली आपस में डिस्कस कर रहे थे कि होटल अथॉरिटीज शुड बी क्वेश्चन नॉट द कपल। तो वाइफ अपने हस्बैंड को लिटरली रोक के इतना डिफेंड कर रही थी कि मेरे हस्बैंड की कोई फॉल्ट नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जस्ट उन्होंने अपना फ़ोन ही ऐसे निकाला, तो SHO आए, SHO पंकज, उन्होंने उसी टाइम स्लैप किया और ट्रैक कोई 1000 meters तक उनको मारते हुए अपनी कार में बिठाया, फ़ोन स्नैच कर दिया। सर ये तो बहुत ही गलत है कि कॉमन मास को आप लोग ऐसे ट्रीट करो जबकि वी आर नॉट एट फॉल्ट। और पंकज सर ने तो किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर की भी रिस्पेक्ट नहीं की, इनफैक्ट उनको बोला गया तो ही वॉज लाइक अभी SHO है तो एक SHO की सीनियर ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट होती है, बट उन्होंने बिल्कुल किसी की भी रिस्पेक्ट शो नहीं की। और आस्किंग अदर्स कि वो क्या रहे ये। तो ऐसे ही आप किसी से बात करो और आपको कोई मार के लेके जाए, दिस इज नॉट एट ऑल, यू नो, ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। इस वक्त आपके हस्बैंड जो है पुलिस कस्टडी में है? हाँ, पुलिस कस्टडी में। एंड आपको उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया? हाँ, और इन स्पाइट ऑफ वर्बल रिक्वेस्ट मुझे उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया जा रहा। SHO सर ही मिसबिहेव विद मी इक्वली, SHO सर ने तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया जो टॉलरेट नहीं हुई। हाँ, इफ़ वी वर एट फॉल्ट तो हम मानते, बट गलती ना होने के बाद भी उनकी बदतमीजी तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो कार कीज कुछ भी हमारे पास नहीं है, सब कुछ और उसका नहीं है जो मारा गया अननेसेसरली, वो तो बहुत बड़ी हरासमेंट है। पुलिस के पास इतना राइट थोड़ी ना, आई एम ऑल्सो SSP's डॉटर, हमें पता है कानून लॉ क्या होते हैं, किसी को आप ऐसे पुलिस वाला किसी को ऐसे मार नहीं सकते। ना सिर्फ पुलिस ही कर सकता है, आर्बिट्ररी यूज नहीं करेगा, कोई राइट ही नहीं है। पुलिस वालों को लॉ भी पता होना चाहिए कि लॉ क्या चीज है, पुलिस वाले हाथ में कानून नहीं ले सकते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक SHO इज नॉट रिस्पेक्टिंग एनी ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स, दिस इज समथिंग वेरी अनबियरेबल। क्या मांग करना चाहेंगे? अनएथिकल, अनएथिकल। क्या मांग करना चाहेंगे अब? मांग तो देखेंगे कि अब क्या ही करना है आगे, बट जो आज हमारे साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। या तो मेरे हस्बैंड फॉल्ट में होते तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, बट SHO सर के खिलाफ एक्शन होगा तो मैं यहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलूँगी, अदरवाइज मैं पुलिस स्टेशन से आज बाहर नहीं आऊँगी। और मुझे बोला जा रहा है कि आपके हस्बैंड को छोड़ दिया जाएगा, तो नॉन कल्प्रेट है, उसको तो छोड़ेंगे ही, उसको क्यों पुलिस अपने पास रखेगी? अब इनके पास कुछ वो नहीं है, बट मुझे ग्राउंड चाहिए कि मेरा हस्बैंड पुलिस स्टेशन क्यों आया। सना जी, वेरी ट्रू, उसका तो देखेंगे। अब जब तक SHO सर के अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा मैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाली। तो